hello friends i am sunil sir and i am back with a new video friends in this video we are going to discuss about fertilization in human in detail with respect to your NEET exam so watch the video till the end so that it will help you out fertilization is also known as syngamy when i say syn it means fused and the word gammy is related to gametes or marriage so we can say there is a fusion of male and female gamete if i have to define fertilization i will say it's a process वेर देर इज यूनियन ऑफ हेप्लॉयड मेल गैमेट दैट इजर्मेटोजोआ एंड हैप्लॉयड फीमेल गैमेट दैट इज एग सो वैन द स्पर्मेटोजोवा एंड दी एग यूनाइट टूगेदर फ्यूज टुगेदर इट फॉर्म्स अ डिप्लॉयड जयगोट सिम्पल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि हेप्लॉइड स्पर्म और हेप्लॉइड एग जब आपस में फर्टिलाइज हो जाएंगे तो उससे बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ़र्टिलाइजेशन इन फर्टिलाइजेशन देर आर डिफरेंट इवेंट्स टेकिंग प्लेस इट्स नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस तो चलिए देखते हैं क्या क्या इवेंट्स इन्वॉल्व हैं फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला स्टेप जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व है दैट इज इन्सेमिनेशन इंसेमिनेशन का मतलब सिर्फ इतना कि मीटिंग करने के दौरान मेल अपना सारा स्पर्म फीमेल के वजाइना में डिस्चार्ज कर देगा डिस्चार्ज ऑफ सीमेन इन दजाना ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग पॉपुलेशन और क्वाइटस इज नोन एज इंसेमिनेशन ये सबसे पहला इवेंट है और जब स्पर्म्स डिस्चार्ज हो जाएंगे तब वो सारे स्पर्म्स मूव करने लगते हैं स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द एग सो वॉट इज द सेकंड स्टेप इट्स अ मूवमेंट सो वॉट हैपन्स इन मूवमेंट जो स्पर्म्स होंगे वो स्विम करेंगे फ्राम वजाइना टू द फेलोपियन ट्यूब थ्रू द यूटेरस यूटेरस से होते हुए को फेलोपियन ट्यूब में पहुँचेंगे जहाँ पर एग प्रेजेंट है और इसी को हम कहते हैं मूवमेंट और सबसे बड़ी बात ये होगी कि मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कुछ ही होंगे ऐसे जो एग तक पहुँचेंगे सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म ओनली फ्यू स्पर्म रिचेस टू द फेलोपियन ट्यूब और इट रिचेस टिल द एग वाई बिकॉज द वजैन ऑफ द फीमेल इज़ हाईली एसिडिक और एसिडिक वजह ना होने की वजह से क्या होता है बहुत सारे स्पर्म्स वहाँ पे ही मर जाते हैं दूसरी बात यह हो सकती है कि जो स्पर्म है वो रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रैवल कर जाए एग की तरफ वो स्विम ना कर पाए सो देर आर मेनी रीजन्स वाई ओनली फ्यू रीचस टिल द एग सो फर्स्ट कैन बी रॉन्ग डायरेक्शन सेकेंड कैन बी एसिडिक वजह सो दिस इज़ द वेरी सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट स्टेप दैट द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म समाइम्स द स्पर्म्स आर नॉन मोटाइल देन दे कैनॉट फर्टिलाइज द एग वट इज़ द थर्ड स्टेप इट इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म वॉट डून माई कैपेसिटेशन अगेंस एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म स्पर्म वजाइना से लेके फेलोपियन ट्यूब तक ट्रेवल करता है तो जर्नी के दौरान स्पर्म के हेड पे बहुत सारा केमिकल लग जाएगा अब वो सारे केमिकल्स को वॉश करना भी ज़रूरी है तो होता क्या है जो भी विस्कस फ्लूड होगा दैट इज टेकिंग ऑन दी ऑफ़ द स्पर्म इट विल बी वॉश्ड ऑफ बाई द फ्लूइड सिक्रेटेड बाई द फेलोपियन ट्यूब सो वेरी इम्पॉर्टेंट द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस एंड दिस सिक्रीशन फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब इट रिमूव्स ऑल द केमिकल्स एट आर प्रेजेंट ऑन दी हेड ऑफ द स्पर्म एंड एज अ रिजल्ट वॉट एपन्स द रिसेप्टर्स ऑफ द स्पर्म गेट्स एक्टिवेटेड तो बहुत ज़रूरी है लंबा सफ़र स्पर्म करके आया है तो उसके हेड का सारा केमिकल वॉश करना है तो फेलोपियन ट्यूब के फ्लूड से वॉश होगा और उस वजह से जब हेड साफ हो जाता है स्पर्म का तो उसके सारे रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ईजली विजिबल भी होते हैं अब यहाँ पर स्पर्म जो है ईजली एग को पेनिट्रेट कर पाएगा तो पहला स्टेप था इंसेमिनेशन दूसरा स्टेप था मूवमेंट तीसरा था कैपेसिटेशन जस्ट रिमेंबर इट इज़ आई एम सी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है एक््रोजोमल रिएक्शन अब इसके अंदर क्या होगा सेकेंडरी ओसाइट रीचेज द फेलोपियन ट्यूब दैट इज द एग अब एग जो है फेलोपियन ट्यूब तक पहुँच गया जो स्पर्म है बेसिकली इट विल शो एक्रोजोमल रिएक्शन बिकॉज वी ऑल नो इन देड ऑफ द स्पर्म दैट इज एक्रोजोम नीट का क्वेश्चन ये है कि एक्रोजोम बनता किससे है तो याद रखना गोल्जी बॉडी से और ये जो एक्टिवेटेड स्पर्म होगा वो अपने एक्रोजोम से केमिकल रिलीज करेगा दैट केमिकल इज कॉल्ड ए स्पर्मलाइसिन ना तो क्वेश्चन इज वॉट इज प्रेजेंट इन द स्पर्मलाइसिन स्पर्मलाइसिन में होता क्या है तो याद रखना बच्चों स्पर्म लाइसिन तीन केमिकल के कॉम्बिनेशन से बनता है सबसे पहला है हाइलुरोनी डेज नाव वॉट इज हाइलोरो डेज और एक करता है क्या है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइलोरो डेज जो है हाइलुरोनिक एसिड को डिजोल्व करता है जो कोरोना रेडिएटर सेल्स को जोड़ के रखते हैं acid, is, एसिड दैट इज़ हाइलुरोनिक एसिड सो हाइलोरो डेज ऑल दी हाइलोरॉनिक एसिड्स ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स सेकेंड केमिकल और सेकेंड हार्मोन फाइंड इन दिस स्पर्म लाइसिन इज कोरोना पेनाट्रेटिंग एंजाइम ये कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम्स क्या करेंगे ये कोरोना रेडिएटा सेल्स को डिजोल्व कर देते हैं बिकॉज कोरोना रेडिएटा सेल इज एक्टिंग एज अ हर्डल फॉर द स्पर्म टू रिस्ट टिल सो वॉट डिल हैपन कोरोना पेनाटेटिंग एनजाइम डिजोल्व कोरोना रेडिएटा सेल तीसरा है जोना लाइसिन है ये जोना लाइसिन को आप एक्रोसिन भी कहते हो जोना लाइसिन क्या होगा बेसिकली ये हेल्प करता है जोना पेलुसिडा को डिसोल्व करने के लिए बिकॉज द ओवम हैज़ द आउटरमोस्ट कवरिंग नॉन सेलुलर यू कैन से बेसिकली मेम्ब्रेनस कवरिंग है दैट इज़ जोना पेलोसीडा तो जोना जोनालाइसिन उसको डिसोल्व करता है तो इस तरीके से जो स्पर्म है बेसिकली वो इन तीनों चीज़ों को डिसोल्व करके फर्टिलाइज़ करेगा बट कंडीशंस रिक्वायर्ड है पहला ऑप्टिमम टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है अगर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा पीएच कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन और बहुत ज़रूरी है इन फैक्टर्स को मेंटेन करना जो फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों आपको याद रखना है कि हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक है मतलब मेल का स्पर्म ह्यूमन मेल का है तो ह्यूमन फीमेल का ही एग होगा किसी और का स्पर्म किसी और एग के साथ फर्टिलाइज नहीं करता तो याद रखना स्पर्म के हेड पे एंटी फर्टिलिजन है और हेड ऑफ द एग पे फर्टिलिजन है एंटी फर्टिलिजन और फर्टिलिजन दोनों एक दूसरे से मैच करेंगे रिसेप्टर्स मैच करेंगे और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जो आप कहते हो फर्टिलाइजेशन तो हमें समझना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन इज़ हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक नेक्स्ट इज वॉट यू नो देर आर फिजियोकेमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस मतलब जो स्पर्म एग को टच करता है तो कैसे स्पर्म के ऊपर एक एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बन जाता है जिसकी वजह से कोई और स्पर्म एंटर नहीं करेगा रिमेंबर स्टूडेंट्स एट वन टाइम ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द एग द मोमेंट स्पर्म टचेज द विटलाइन मेमब्रेन अब विटलाइन मेमब्रेन क्या होता है एग के साइटोप्लाजम का बाहर का लेयर जैसे उसने विटलाइन मेम्ब्रेन को टच किया तो उसमें फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट फिजियोकेमिकल चेंजेस इट प्रोड्यूसेस एंटी फर्टिलिजन मेम्ब्रेन और बिकॉज ऑफ दिस मेम्ब्रेन वॉट विल हैपन कोई भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता ओनली वन स्पर्म इज गोइंग टू एंटर तो विटिलाइन मेम्ब्रेन गेट्स कन्वर्टेड इन टू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन टू तो प्रिवेंट पॉली स्पर्मी एट वन टाइम ओनली वन स्पर्म इज गोइंग टू एंटर चलिए कैरियोगेमी की बात करें तो कैरियोगी ये भी एक फर्टिलाइजेशन का दूसरा तरीका है बताने का कैरियोगेमी कैरियो मतलब न्यूक्लियस गैमी मतलब मैरिज इसको आप एम्फी मिक्सिस भी कहते हो एम्फी मीन्स बोथ मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग मिक्सिंग ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट तो स्पर्म और एग दोनों एक दूसरे को मिलेंगे फर्टिलाइज करेंगे इसी को आप कैरियोगेमी कहते हो या फिर एम्फी मिक्सिस भी कहेंगे यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक एग आई विल ड्रॉ वन एग एंड आई विल ड्रॉ ऑल दी जोना पैलोसीडा सेल्स सो लेट्स चेक दिस जोना पैलोसीडा लेयर एंड अबव दैट ये येलो कलर्ड आर ऑल कोरोना रेडिएटर सेल वाइट इज द जोना पैलोसिडर द पिंक कलर इज द एग सो वट आई एम गोइंग टू डू यर आई विल भी ड्राॅइंग ऑल द कोरोना रेडिएटर सेल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट द कोरोना रेडिएटर सेल्स दे आर स्टिकिंग टू इच अदर बाय द हेल्प ऑफ हाइलोरोनिक एसिड तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हाइलोरोनिक एसिड भी ड्रॉ कर लेते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हमें यह समझना है कि स्पर्म जब आएगा तो स्पर्म लाइसिन दैट वी हैव स्टडीड हाइलोरानिक डेज कोरोना पेनेटेटिंग एन्जाइम और जोनालाइसिन कैसे काम करते हैं इस एनिमेशन के थ्रू हम उसे देखने की कोशिश करते हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन दिस वे नाउ दिस इज दी ओवम एंड दिस ओवम इज अरेस्टेड एट मेटाफेज टू स्टेज उसका मियोसिस टू कंप्लीट नहीं होता वाई ओवम इज अरेस्टेड मेटाफेज मेटाफेस टू बिकॉज ओवम इज नॉट हैविंग एनी सेंट्रीओल और उसे सेंट्रियोल कौन देगा स्पर्म देता है सो दिस आर ऑल द स्पर्म इन ऑल द स्पर्म्स आर गोइंग टू ट्राई टू एंटर इन दी एग एवरी वन हैज अ फेयर चांस बट हम क्या करेंगे यहाँ पर हम एक स्पर्म को लेके कहानी समझेंगे कि होता क्या है सो लेट इस ड्रॉ दिस टू बी दम एंड दिस इज द स्पर्म द फर्स्ट एंजाइम दैट इज रिलीज इज हाइलोरोनिक डेज तो हाइलोरो डेज विल डिज़ोल्व ऑल द हाइलोरिक एसिड सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हाइलोरानिक एसिड विल भी डिजोल्व एंड वंस द हाइलोरानिक एसिड इज डिज़ोल्व बाई द हाइलोरो डेज दी कोरोना सेल्स आर नाउ फ्री सो वॉट विल second step is what the corona penetrating enzyme will be released by the sperm so see you can see here that the hyaluronic acid is dissolved now what will happen the sperm is again going to release the second hormone basically second enzyme that is called as corona penetrating enzyme this corona penetrating enzyme will dissolve the corona radiator cells and once the corona radiator cells is dissolved the sperm hair will touch the जोना पेलुसीडा को और फिर रिलीज करता है जोना लाइसिन ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा तो इसी के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जो स्पर्म ड्रॉ करके जोना लाइसिन विल बी रिलीज बाय द स्पर्म एंड जोना पेलुसिडा विल डिजॉल्व एंड फाइनली व्हाट वाट है एग इज़ गोइंग टू टच और आप कह सकते हो कि स्पर्म इज गोइंग टू टच दी एग मेम्बरेन दैट इज द विटेलाइन मेम्ब्रेन और जैसे ही स्पर्म ने विटेलाइन मेम्ब्रेन को टच किया क्या होगा एक एंटी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाएगा जिसकी वजह से कोई और सेल अंदर एंटर नहीं करेगा नन ऑफ द स्पर्म कैन एंटर अहेड हेड फर्दर चलो फाइनल स्टेज को देख लेते हैं हम लोग स्पर्म ने टच कर दिया टू द विटलाइन मेम्ब्रेन और इसमें क्या होगा स्पर्म का हेड एक्चुअली पीछे रह जाएगा कट जाएगा ओनली द न्यूक्लियस इज गोइंग टू एंटर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात द मोमेंट एंटी फर्टिलइज मेम्ब्रेन बन जाता है जैसे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाएगा दिस इज द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म नाउ इट विल नॉट अलाउ एनी स्पर्म टू एंटर अब स्पर्म इज गोइंग टू गिव अ सेंट्रियोल टू द एग और स्पर्म जब एग को सेंट्रियोल देगा तो एग अपना क्या करेगा मियोसिस कंप्लीट करेगा इट विल कंप्लीट इट्स एनाफेज टू टीलोफेज टू एंड फाइनली इट विल रिजल्ट इन द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू रिलीजिंग दी सेकेंड पोलार बॉडी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन देर विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट गोइंग ऑन मेल का प्रो न्यूक्लियस फीमेल का प्रो न्यूक्लियस मतलब स्पर्म का प्रो न्यूक्लियस और एग का प्रो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं और जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन सो रिमेंबर दिस इज मेल प्रो न्यूक्लियस दिस इज फीमेल प्रो न्यूक्लियस और जो पिंक कलर का निकला सेकेंड पोलार बॉडी है बेसिकली और सेंट्रियोल्स स्पर्म देगा एग इज़ गोइंग टू कम्प्लीट इट्स मियोसिस टू और फाइनली द मेल प्रो न्यूक्लियस एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियस विल फर्टिलाइज तो इस तरीके से जाकर के बच्चों फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो कम्प्लीट हो पाता है और अगर फीमेल का एग फर्टिलाइज़ नहीं हुआ है तो मियोसिस टू उसमें कभी भी कम्प्लीट नहीं होगा वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट टू बी टेकन केयर ऑफ नाउ दी वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोड बनता है ठीक है उसका बेनिफिट क्या हैज बेनिफिट सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे बहुत सारी चीजें कवर होती हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्स्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू ओनली फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक चीज़ हमें क्लियर हो जाता है ऊ साइट सेकेंड्री साइट ने अपना ओ जेनेसिस कंप्लीट कर लिया है दिस बिकम्स ए वेरी फर्स्ट सिग्निफिकेंस दूसरा आप ये कह सकते हो कि जो डिप्लॉयड नंबर होगा वो रिस्टोर हो जाता है मतलब स्पर्म ट्वेंटी थ्री 23 ट्वेंटी थ्री और जाइगोट फोर्टी सिक्स सो डिप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोजोम इज रीस्टोर एंड इट कम्बाइंस द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स, बिकॉज इवोल्यूशन टू टेक प्लेस हमारे पास जो कैरेक्टर स्टिक है वो हमारे फादर और मदर का है तो ये कैरेक्टर्स टिक को कंबाइन कर देता है ऑफ बोथ द पेरेंट्स नेक्स्ट इट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड मतलब स्पर्म का एक्स अगर एग एक से फ्यूज हुआ तो बेटी स्पर्म का वाई अगर एग से फ्यूज हो गया तो बेटा स्पर्म इज गोइंग टू प्रोवाइड सेंट्रियल टू दी एग मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि एग के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता स्पर्म हैज़ टू सेंट्रियोल्स इट गिव्स वन सेंट्रियल टू द एग तो इस तरीके से बच्चों फ़र्टिलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा अगर पसंद आया समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा जैसे सुनील सर ब्रिंगिंग बायोलॉजी इन ईजी वे टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टे ब्लेस्ड लाइक ज़रूर करना कमेंट ज़रूर करना प्लीज़